हट जाओ भाई, हट जाओ। हाँ, कलर वाला किधर गया? कलर वाला भी आ रहा है, थोड़ा सा उसने किया है, कलर खत्म हो गया था, मैं नीचे से लेने गया था यार। आप देख सकते हैं यार, मेरे हाथ में है आर्टिफिशियल ग्रास, जो के हमने यहाँ पर रैबिट हाउस में लगाना है। अभी कलर वाले भाई सामने दीवारों को कलर कर रहे हैं, और हमने क्या करना है, ये जो घास है ना आर्टिफिशियल, ये हमने इसके ऊपर भी बिछाना है और नीचे भी बिछाना है। फिर हमारे रैबिट का जो घर प्यारा बनने वाला है ना, आपकी सोच है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा बनेगा। अभी इसको ना पैक कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी इसको नहीं लगाना, थोड़ी देर बाद लगाना है, कलर हो जाए। और आज यार हम जाएंगे मार्केट से नए रैबिट्स भी लेके आएंगे, क्योंकि जो हमारे पुराने वाले रैबिट्स हैं ना, वो अभी हम उनको उठा के यहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं। उनकी नई जगह अगर हम शिफ्ट करेंगे ना, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको वहीं पे रहने देंगे शिफ्ट रूम के अंदर। हम जाएंगे न्यू रैबिट्स लेने। ठीक है शान, तुम भी चलोगे हमारे साथ? तो आपसे भी पूछते हैं अगर वो आता है तो। चाची की तो तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत थोड़ी सी खराब है उसका, पूछते हैं फिर भी। घर अभी अभी मैंने देखा है ना, गाड़ी खड़ी हुई है ना, हमारी अपनी बाइक खड़ी हुई है। तो भाई दूसरी बाइक पे जा रहे हैं, बैठो बैठो बैठो, इसी पे ही चलते हैं, लेकिन जाना तो है ना। और तराब से भी मैंने पूछा है, उसकी तबीयत सही नहीं है, तो उसने कहा तुम लेके आ जाओ, उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, फिर ऊपर आके फिर दोनों इकट्ठे काम करेंगे। ठीक है शान, चले फिर। हाँ। चलो भाई, यार हम बर्ड मार्केट में पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा रश है आज यार, गुम हो जाओगे आज। तो शान भी मेरे साथ है, अभी हम खरगोश ढूंढने आए हुए हैं, तो देखते हैं हमें कौन से खरगोश मिलते हैं। यार यहाँ पर मुझे खरगोश नजर आ रहे हैं, यही ले लेते हैं यार, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। है शान सही है, प्यारे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल लेते हैं यार इस दफा। पहले हमने व्हाइट लिए हुए थे इस तरह के, ये देखें यार क्यूट है यार, ये बच्चे देंगे, बड़े हैं ना, बच्चे तो नहीं है, छोटे लग रहे हैं मुझे तो। बड़े बच्चे, बड़े ओके करें। अच्छा तो यार यहाँ से भी देख लिया हमने, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर और अच्छे इससे मिलते हैं तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हैं खरगोश यार, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी प्यारे हैं यार, ये ब्लैक एंड वाइट यार, ये वाले जंगली खरगोश हैं, ये हमारे पास ब्रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन हैं बहुत प्यारे यार। ये भी ले लेते हैं एक जोड़ा, ये भी प्यारा लग रहा है, मैं तो आपको बोलूंगा सही रख लेते हैं। तो यहाँ से भी मुझे दो पेयर यार पसंद आए, यहाँ से दो पेयर लेंगे, बाकी उधर बहुत ज़्यादा पड़े थे, वहाँ से भी लेते हैं। तो यार वहाँ से मैंने दो पेयर लिए थे और यहाँ से हम पाँच पेयर ले रहे हैं, टोटल हमारे पास सात पेयर हो जाएंगे, तो यहाँ से लेते हैं जल्दी से, डाल दो यार इन डब्बों में, डालते जाओ ये ऐसे, शाबाश। यार यहाँ पर हमारे खरगोश ना बंद कर रहे हैं और भाई लेके आ जाएंगे। यार खरगोश तो हमने ले लिए, वो भाई लेके आ रहे हैं पीछे से, और इधर शान रुक गया, कहते यार मुझे भूत वाला मास्क चाहिए, ले लो, कौन से चाहिए, ये वाला ब्लैक वाला दे दो यार इसको भाई। ओके चले। तो यार फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, छत पर आ चुका हूँ, रेस्ट भी कर लिया है, कलर भी हो गया यार इतना, वेरी गुड। अब अगला काम पता क्या है, तो आप यहाँ पर हमने घास वगैरह वो लगाना है जो मैं लेके आया हूँ, ये घास इधर लगाने के लिए है। हाँ जी, खराब नहीं हो जाएगा, मट्टी नहीं है सारी। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मट्टी साफ हो जाती है, कोई मसले वाली बात ना यार, अकेले अकेले सारा कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ पड़ा मुझे जो तुमसे कोई मशवरा ही ना लो। सिपाहन यार तुम थके हुए, तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी इसलिए। अच्छा अब लगाओ ना, चलो लगाना कैसे, ये तो कटिंग करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ सब पता यार, मेरी सारी प्लानिंग है, मेरे पास चीजें भी सारी हैं पड़ी। ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कटर है, इससे हम काटेंगे घास। घर खरगोशों के आने से पहले हम इनका घर पहले से ही बना लेते हैं, जब तक वो आते हैं ना तब तक इनका घर रेडी होगा ऐसे। अभी यार एक मिनट, ये ऐसे। अभी यार हम चेक कर रहे हैं कि घास की तरह लगेगा, पूरा है ना, पूरी है ना, तो हमने एक्स्ट्रा ही मंगवाया है, तो फिट हो जाएगा काम भाई साहब, सही है ना तुराब, इतना प्यारा लगेगा। हाँ सही है, आ जाओ यार। तुम्हें नहीं आएगा सिप्तेन, मैं कर लेता हूँ यार, तुम्हारा काम भी नहीं है ये देख। यार एक गलत हो गया ना, सारी की सारी सीक्वेंस खराब हो जाएगी, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं दे रहा। तो यार सिप्तान अभी ना इस घास की कटिंग कर रहा है, और उसके बाद फिर ये घास हम नीचे भी बिछाएंगे, और फिर आ जाएंगी हमारी रैबिट्स, जो कि सिप्तान कितना मंगवाई है, 14-15 है, 14-15 इतना ज्यादा यार मंगवा लिया। एक तो हमारे सेफ्टी रूम में भी बहुत रैबिट्स हैं, लेकिन अभी बच्चे हैं, वो छोटे छोटे निकले हैं, अभी न्यू बॉर्न है, तो खैर ये भी आ रही हैं, ये छत पर रहेंगी। सिप्तान कौन सी नस्ल के लिए हैं ये, जो अपना इधर है मिनी जो वाली? नहीं, नॉर्मल वाली है, वो बड़े बालों वाली लेते ना यार, वो थे नहीं। अच्छा जल्दी जल्दी काटो, चलो शाबाश।
तो फाइनली यार हमने रैबिट हाउस को कंप्लीट कर दिया है। मैंने एक एक चीज नहीं दिखाई, मैंने कहा एक साथ आपको दिखाता हूँ, जब सब कुछ लग जाएगा ना तभी दिखाऊंगा। तो फाइनली अभी हमने सब कुछ लगा दिया है, एकदम परफेक्ट बन गया हमारे हिसाब से, बहुत प्यारा बना है। आप सबने बताना है कैसा लग रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा तभी बताओगे ना आप। ये देखें यार रैबिट हाउस कितना ही प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पर भी घास लगा दी, नीचे भी लगा दी, यहाँ पानी रख दिया, यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल पौधे किस्म के लगा दिए सूखे हुए, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और पीछे से तोरा भी मुझे आवाज़ें दे रहा है, मुझे लगता है खरगोश भी आ चुके हैं क्योंकि वो रास्ते में थे। आ रहा हूँ। बाकी यार देखें हमारा रैबिट हाउस कितना प्यारा लग रहा है यार, हमने सोचा नहीं था कि इतना प्यारा लगेगा और आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी तो आपके पास जाता हूँ लेके आगे। सुबह हाँ। बुला रहा हूँ नीचे यार, 5-6 दफा बुलाया तुम्हें। यार मैं रैबिट हाउस दिखा रहा था ना। आ गया रैबिट, इतना ज्यादा ले लिया, भारी थे यार, सारा पसीना आ गया मुझे सर में यार से। यार मैंने नहीं कहा था तुम लेके आओ इनको, पर मैं ले 5-6 दफा बुलाया मैंने तुम्हें। मैं आ ही रहा था यार, आ ही रहा था। इनको हटाओ और दिखाओ, ये है भाई रैबिट्स। एक काम करो ना, तो आप इनको छोड़ दे उधर, पहले दरवाजा ले जो सब, नहीं तो भाग जाएंगे बाहर। ले ओ ले ओ, ये वाला काफी। हाँ फिर ये दरवाजा हम आरजी तौर पर लगा देते हैं क्योंकि खरगोश नहीं तो बाहर आ जाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे लगा देंगे हम ऐसे। फाइनली यार वो वक्त आ चुका है जब हम अपने खरगोशों को, नए खरगोशों को उनके नए घर में आते साथ ही, यार कितना प्यारी जगह इनको मिल रही है। बेचारे छोटे छोटे पिंजरों में थे मार्केट में, देखें इनकी कितनी अच्छी किस्मत, इतना प्यारा सा घर मिल रहा है इनको। ड्रीम हाउस होता है यार जानवरों के लिए ये वाला, आप देख सकते हैं यार बहुत प्यारा लग रहा है। चलो यार फाइनली तो आप खरगोशों को खोलने लगा है। हाँ जी, ओए ये क्या किया, नीचे से आके वापस, ये वापस मुझे दे दो, ये इसको इधर फेंक देते हैं। चलो बेचारा निकला। ए एक आ गया भाई खरगोश, सारे निकालते जाओ तो जल्दी जल्दी निकलेंगे। ये देखें यार ये आगे सारे के सारे 14 खरगोश हैं तो आप, और देखो कितना क्यूट लग रहे हैं यार, बहुत प्यारे हैं। इनको बाहर निकालने दो, बाहर निकालने दो, खुद ब खुद यार बाहर आएंगे और अपने घर को पहचान लेंगे भी, ये हमारा घर है, हमने यहीं पर ही रहना है। तुम क्या सोच रहे हो, यही तुम्हारा घर है, आ जाओ बाहर। इन्होंने तो भाई घास खाने शुरू कर दिए, नकली घास, तो आप प्लास्टिक का घास ये कभी नहीं खा पाएंगे। तो दर्द नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, एक दफा खाएंगे फिर इनको जब पता चलेगा तो नकली घास है प्लास्टिक का है, इनको जायका ही नहीं आएगा, फिर ये खाना छोड़ देंगे। ये क्यों डर रहे हैं यार, निकालो इनको, निकालो, खुद ही निकालना पड़ेगा भाई इनको, अपने दोस्तों के पास जाओ। चलो शाबाश, ये देखें यार, यार क्या बात है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार, हमने नहीं सोचा था इतना प्यारे लगेंगे यहाँ पर खरगोश। ऐसे लगता है ये घर बना ही खरगोशों के लिए। पत्ते खा रहे हैं। हाँ पत्ते तो खाएंगे, ये वाले खा सकते हैं, ये वाले नहीं खा सकते। इनमें से दो खरगोश ना जंगली भी हैं, ये और ये, उनने कहा जंगली खरगोश हैं लेकिन लग नहीं रहा है जंगली हो, ये तो प्यार से रह रहे हैं, जंगली तो भाग जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन ये भी टेम है, सारे टेम खरगोश हैं यहाँ पर। और इतराब ने कहा बच्चे भी देंगे, इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा और खरगोश छोटे छोटे आ जाएंगे। यार बच्चे अभी दे रहे हैं इनको थोड़े से छोटे, अच्छा। ये 2-3 महीनों के बाद बच्चे देंगे और अच्छा। इनके बच्चे हम आराम से देख पाएंगे, सिर्फ नीचे इनका घर है। हाँ, वो भी देख लेंगे, वो भी सही है यार। अबे नीचे भी आ जाओ, सारे ऊपर ही फिर रहे हो, इनको जंप कर से अकेला छोड़ दो ना, डर रहे हैं। चलो आ जाओ, चलो इनको यार अभी अकेला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो माशाल्लाह से दोस्तों हमारे सारे खरगोश यहाँ पर घुल मिल गए हैं, ऊपर से नीचे भी आ चुके हैं और अब मजे से घूम रहे हैं। कोई यहाँ पर पानी पीने के लिए आया हुआ है, कोई यहाँ से पत्ते उठा के खा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है। बहुत ही यार मुझे खुशी हो रही है, सिप्तान ने बहुत ही अच्छा फैसला किया, एक तो नकली घास लेके आ गया है, ऐसे लगते हैं असली हो, लेकिन अगर हम वो असली घास लगा दे तो इस तरह से नहीं हो पाता यार। कितने दफा हमने ट्राई किए हैं, सिप्तान बहुत अच्छा काम किया यार। पता है पूरे मिनी जू और ऊपर छत में से सबसे ज्यादा अच्छा मुझे क्या लगा है, क्या ये रैबिट हाउस।
ना। तो चलें दोस्तों, यहाँ पर हम रैबिट्स को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद आएंगे, इनको घास अनाज वगैरह डालेंगे। अभी इनको यहाँ पर रिलैक्स होने देते हैं ताकि इनको फील हो कि ये हमारा घर है, हमने अब इधर ही रहना है। तो हम इनको कर देते हैं बाय बाय। सितन आ जाओ, चलें। ठीक है भाई, हम थोड़ी देर में आते हैं। सही है, अब यहाँ पर मजे से घूमते रहो। यहाँ पर दरवाजा बंद है, बाहर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर घूमते रहेंगे। देखें, अंदर भी जा रहे हैं, बिलों में भी जा रहे हैं। यार देख सिप्पी, दो खरगोश बिल में गए हैं। तो अच्छी बात है, माशाल्लाह। मतलब यहाँ पर अंडे भी देंगे, सॉरी बच्चे भी देंगे। चले यहाँ से चलते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल में दयात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इनका खाना क्या लाना है? नहीं दो बाहर ना है यार, इनको यहाँ से नहीं निकलने देना। देखो ऊपर भी चले जाते हैं यार, जरा जो डरते हैं।